हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ यूज़ ऑफ डिफरेंट इंट्रा कैनल मेडिकामेंट्स। सो सबसे पहले ये बात करें, दैट इज़ माय फेवरेट वन, दैट इज़ EDTA। वाले डू रूट कैनल ट्रीटमेंट, आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू यूज़ EDTA। द सेकेंड वन इज़ पल्बिवाइक्लाइजर, द थर्ड वन इज़ फॉर्मिक्रिसोल, एंड द फोर्थ वन इज़ अ रूट कैनाल सीलर, दैट इज़ जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल, एंड द फिफ्थ वन इज़ ऑल्सो अ रूट कैनाल सीलर, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद आइडोफोम। सो अगर हम फर्स्ट वन के बारे में बात करें, दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ EDTA। सो इट इज़ अ वेरी गुड चिलेटिंग एजेंट एज वेल एज लुब्रिकेटिंग एजेंट वाइल यू डू रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो वाइल यू डू फाइलिंग इन अ रूट कैनाल, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यूज़ लुब्रिकेटिंग एजेंट लाइक EDTA। एंड द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नाइटाई ऑल्सो रिकमेंड द यूज़ ऑफ EDTA, as it increases the longevity of your files, as well as it reduces the chances of breakage of your files, that will lead to the failures of your root canal treatment. So मैं भी EDTA जब से यूज़ करने लगा हूँ तब से मुझे काफ़ी बेटर रिजल्ट्स आने लगे हैं। एंड अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स EDTA बेस्ड अलग अलग मतलब तरीके से मतलब सेल करते हैं, बट इट इज़ वेरी आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप किस कंपनी का EDTA लेना है वो आप ले सकते हो। मेरे लिए तो टेक्नोडेंट EDTA बेस्ट है, एंड सम काइंड ऑफ पायरेक्स भी देता है, एंड प्रीवेस्ट भी देता है, एमडेंट भी देता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस कि आप किस कंपनी में आपको ज़्यादा ट्रस्ट है या किस कंपनी का आपको जो भी मटीरियल है वो ज़्यादा बेहतर लगता है। सो कुछ कंपनी के मटीरियल्स बेटर हैं इन सम केसेस एंड कुछ बेकार हैं। तो टेक्नोडेंट में मैं अगर देखूँ तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ठीक ठाक हैं, काफ़ी सारे बेकार भी हैं। तो टेक्नोडेंट में अगर मैं EDTA देखूँ तो ठीक है, इट इज़ वेरी गुड व्हाइल आई यूज इन रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इट इज़ अ वेरी गुड लुब्रिकेशन, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ लुब्रिकेशन व्हाइल आई डू फाइलिंग। अगर आप रोटरी यूज़ करते हो दैन इट इज़ अ वेरी गुड मटेरियल। सो अभी मैं रोटरी पे नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ हैंड फाइलिंग पे ही हूँ। जब मैं रोटरी पे आऊँगा तो मैं और डिटेल में बात करूँगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एंड द सेकेंड वन आई यूज़ इज पल्प डिवाइटलाइजर काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते हैं। ये कई सारे फॉर्म्स में आता है, ये सेमी सॉलिड पैकेबल फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, एंड इन सम फ्लोएबल फॉर्म में भी आता है। माई फेवरेट वन इज़ फ्लोएबल फॉर्म बिकॉज आई कैन जस्ट मतलब फाइल में उसको आराम से मैं इजीली मतलब लिफ्ट करके आराम से कैनाल में डाल सकता हूँ, एंड दैट विल गिव मी अ लॉट मोर बेटर रिजल्ट दैन अ पैकेबल वन। इन पैकेबल फॉर्म द पेशेंट समटाइम यूज टू कंप्लेन ऑफ पेन एंड टेंडरनेस, देयरफॉर आई डोंट रिकमेंड टू यूज़ पैकेबल। आई डोंट नो सम गाइज यूज द पैकेबल फॉर्म, बट आई जस्ट हैड सम बैड एक्सपीरियंस व्हेन आई यूज दैट इन अ पैकेबल फॉर्म, देयरफॉर आई ऑलवेज यूज द फ्लोएबल फॉर्म। Every people have different perspective in that case. So the third one is Farmacrosol. It is widely used in dentistry and it is very old material and it is widely used. In fact, I also use this Farmacrosol. It's a very toxic, but you have to use it very cautiously there, because if this material comes in contact with the organic substance, like if you don't have rubber dams and you use this Farmacrosol just by vigorously, therefore it can cause some kind of inflammation and form some blisters around the tongue or around the cheeks. Therefore it is very recommended to use in a very cautious way, and you should always put a temporary cement after the putting this into a canal. The fourth one is zinc oxide eugenol sealer. It is a very good sealer as it has a small volumetric change and it gives a very good sealing potential. So yes, it is a very good sealer and I also used frequently in different cases. The fifth one and my favorite one is calcium hydroxide with iodoform. So it is because of iodoform, it has some antibacterial features, therefore you can use it in any canal which is very susceptible to secondary infection. It will reduce the chances of the secondary infection, and it is a very good root canal sealer. But because of iodoform, some
In some patient, it can cause some kind of allergic reaction. Therefore, in every case, it is not very recommended. I discussed already in a previous video that I had one patient that had some allergic reaction with this iodoform. Therefore, I removed the GP and did a re-RCT in that case. And in that case, I just put a zinc oxide eugenol sealer instead of putting that calcium hydroxide with iodoform. Though manufacturers also gives plain calcium hydroxide without iodoform, you can also use that, but it is recommended to use calcium hydroxide with iodoform moreover than a plain calcium hydroxide. It also helps to repair the tooth structure, not repair the you can say the natural bone structure around the root. Therefore, I used this more than this one. I use more calcium hydroxide with iodoform. That's why I bought a big package of this calcium hydroxide with iodoform, and I used this one. In some cases, you can use both of them in a single root, but it is when you use both of them, the eugenol reacts with the calcium hydroxide, and it usually sets immediately as it contacts with the eugenol. So it depends upon you how you use it. So that's all for today. Thank you for watching. See you in the next video. I hope you guys enjoyed this video.